नागिन 4 के आने वाले खतरनाक एपिसोड में क्या होगा और नयनतारा की मौत की वजह से वृंदा मान्यता का साथ देगी या नहीं और सबसे पहले किसकी मौत देखने को मिलेगी और नागरानी मान्यता को कौन सा बड़ा झटका लगेगा और कौन से बड़े राज का खुलासा होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दे। हमने जैसे कि आपको बताया था कि नागरानी मान्यता अपनी बेटी नयनतारा को सुरक्षित बचाने के लिए नयनतारा को रेलवे के जरिए किसी दूसरे शहर में भेजने की कोशिश करती है और वही देखने को मिला। लेकिन झटका तो तब लगता है जब नयनतारा जाने से पहले सबसे बड़ी लापरवाही करती है, जहाँ पर नयनतारा देव को बता देती है कि वो रेलवे स्टेशन पर है और देव अपनी माँ वैशाली को बता देता है और वैशाली देव के सारे भाइयों को नयनतारा को मारने के लिए रेलवे स्टेशन भेज देती है। और चौंका देने वाली बात तो ये होती है कि मान्यता की बेटी नयनतारा की जान बचाने के लिए वृंदा भी वही रेलवे स्टेशन आ जाती है और देव के भाई दरिंदे जैसे बिचारी नयनतारा को साथ मिलकर मारने की कोशिश करते हैं और लेकिन नयनतारा अपनी जान बचाने के लिए देव के सारे भाइयों को मारकर स्टेशन से भाग जाती है और देव के सारे भाई नयनतारा का जंगल की ओर पीछा करते हैं और वृंदा भी स्टेशन में देव के सारे भाइयों को जंगल की ओर जाते हुए देख लेती है और वृंदा देव के सारे भाइयों का पीछा करती है। और लेकिन हिला देने वाली बात तो ये होती है कि नयनतारा अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के पीछे छुप जाती है और देव के सारे भाई जंगल के पहाड़ी पे नयनतारा को जान से मारने के लिए ढूंढते हैं और वृंदा नयनतारा की जान बचाने के लिए इच्छाधारी नागिन का रूप ले लेती है। और लेकिन वृंदा को झटका तब लगता है जब देव के सारे भाई नयनतारा को मारते हैं और पहाड़ी के नीचे फेंक देते हैं और वृंदा नयनतारा को मरते हुए देख पूरी तरीके से हिल जाती है। और लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये होती है कि नयनतारा की लाश नागरानी मान्यता के सामने गिरती है और बिचारी नागरानी मान्यता अपनी बेटी को मरते हुए देख पूरी तरीके से हिल जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और लेकिन आने वाले खतरनाक एपिसोड में आप देखेंगे कि नयनतारा की मौत की वजह से पूरे पारिक परिवार से वृंदा और नागरानी मान्यता यह दोनों नयनतारा की मौत का बदला लेगी और महादेव के मंदिर में वृंदा पूरे गुस्से के साथ कहेगी कि मैं नयनतारा की मौत का बदला लेकर रहूंगी और उस पारिक परिवार में से कोई भी सदस्य नहीं बचेगा और एक मौत के बदले मौत होकर रहेगी और सूत्रों के अनुसार सबसे पहली मौत और किसी की नहीं बल्कि मानस की देखने को मिलेगी और नयनतारा आने वाले एपिसोड में नहीं दिखेगी तो आपको कैसा लगेगा और वृंदा पूरे पारिक परिवार को जान से मारने के लिए मान्यता का साथ देगी या नहीं, या हमें जरूर बताएं। और आप यहाँ आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो या हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।